हेलो भाई, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। आप सभी लोगों को हम बता दें, मैंने पहले भी अपने वीडियोज में बताया है कि बिहार शिक्षक भर्ती जो चल रही है ये बहुत ही जल्दी जो है कम्प्लीट होगी, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि डेट इसकी कई बार बढ़ी आवेदन की, उसके बाद भी एग्जाम डेट को बढ़ाया नहीं गया। और लगातार जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं वो लगातार अपनी बयान दे रहे हैं और लगातार जो है वो अपने जो भी छात्र हैं उनको अपडेट भी कर रहे हैं। तो फिलहाल इसी बीच उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया है और यह भी बताया है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जा सकता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूं, उससे पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हो कि इसी प्रकार की आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर कल 28 अगस्त को ही यहां पर एक ऑफिशियल नोटिस जो इनकी ऑफिशियल साइट पर डाल दी गई है, आप यहां पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन विल बी डन फ्रॉम 4 सितंबर 2023 से 12 सितंबर 2023। यानी कि जो यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो जारी कर दी गई है 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए, यानी 4 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होम डिस्ट्रिक्ट में होगा। अगर आप बिहार के छात्र हैं तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट में होगा, और अगर आप अदर स्टेट के छात्र हैं तो आपका पटना मुख्यालय में होगा। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि 12 सितंबर को जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समाप्त हो जाएगा उसके बाद आपके टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद ही रिजल्ट जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बात करते हैं प्राइमरी टीचर की कि सर पीआरटी की कब तक होगी, तो पीआरटी की मैं आपको बता दूं कि जो पीआरटी का जो यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 20 से 25 सितंबर के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। ये मेरे बोल नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये बीपीएससी के चेयरमैन ने कल जो है एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को कहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, यह है ऑफिशियल नोटिस जो यहां पर है, लिखा है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा कक्षा 9-10 माध्यमिक एवं 11-12 उच्च माध्यमिक अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन उसके मूल प्रमाण पत्रों कागजातों के साथ दिनांक 4 सितंबर 2023 से 12 सितंबर 2023 तक होगा। यानी जो जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया है फॉर्म भरते वक्त वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है लेकर जाने हैं, और वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और आपको उसको सत्यापित करवाना है। राज्य के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं का दस्तावेज सत्यापन जो है पटना मुख्यालय में होगा, यानी आपको और कहीं नहीं जाना है, पटना हेडक्वार्टर में आप लोगों का जो है यहां पर सत्यापन किया जाएगा। इसी को लेकर के आज के न्यूज़पेपर में भी अपडेट है। फिलहाल के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं, कट ऑफ की अगर बात करते हैं, हम लोग बहुत सारे छात्र कट ऑफ को लेकर के पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो यार, एक बार बता दें, जब बीएड शामिल था तब कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जा सकती थी, लेकिन बीएड जैसा कि आपको पता है कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया है कि जिसमें कहा गया है कि बिहार शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर किया जाए। अगर बीएड बाहर होता है, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया है, हो सकता है कि सरकार और एनसीटी मिलकर कुछ इसका दूसरा रास्ता निकालें, क्योंकि छात्रों ने पेपर दे दिया है। तो अगर कोई रास्ता निकलता है, अगर बीएड अंदर रहता है तो कट ऑफ आपकी उम्मीद है कि 65 नंबर के आसपास जा सकती है। बट अगर बीएड बाहर होती है तो कट ऑफ की कोई सीमा नहीं है, आप मान के चलिए 55 नंबर पर भी आप सेफ हो, कहीं के भी आप हो, ये चीज आप मान के चलिए। जो मैं नहीं कह रहा हूं, जो यहां पर बीपीएससी के चेयरमैन ने भी ये बयान दिया है कि अगर यहां पर कट ऑफ हमको कम करनी पड़ सकती है तो हम कट ऑफ को कम करेंगे। जो 40% की कट ऑफ जो हम लोगों ने लगाया था उसको भी कम करना पड़ सकता है। तो जाहिर सी बात है, अगर बीएड को बाहर किया जाता है तो कट ऑफ वाकई में बहुत ज्यादा कम जो है जाने वाली है। तो आप लोग अपने आप को सेफ महसूस करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करिए, और जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। फिलहाल देखना यह होगा कि बिहार सरकार और एनसीटी मिलकर बीएड छात्रों के लिए कौन सा रास्ता निकालती है, वो आपको बाद में जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो यहां पर फिलहाल वही अपडेट है जो मैंने आपको बताया है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के कागजों की जांच गृह जिलों में 4 तारीख से होगी, 4 तारीख से 12 सितंबर तक आपकी होगी। सभी को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है उनको उनके जिले में ही करवाना है, अदर स्टेट के छात्रों को पटना में करवाना है। 12 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर के बीच में टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा, 20 से 25 सितंबर के बीच में पीआरटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और 25 तारीख के बाद कभी भी पीआरटी का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो ये रही आज की इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।